चापलस के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक आया है। दरअसल अब अभीरा ने ठान लिया है कि उसका सिर्फ दो ही मकसद रहेगा, एजेंडा वन और एजेंडा टू। एजेंडा वन ये रहेगा कि वो अरमान और रोहित के बीच की नफरत कम कर दे और उनके बीच जो भी दूरियां है उसे भी मिटा दे, और एजेंडा टू ये रहेगा कि उसके और अरमान की शादी के लिए वो दादी सा को मना दे। वहीं एक तरफ जहां अरमान और अभीरा वापस क्लोज आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ रोहित और रूही के बीच और भी नफरत पैदा हो गई है। दरअसल रोहित रूही को बोलता है कि तुमने प्यार तो भाई से किया पर शादी मुझसे किया, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और ये धोखा मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ, तुम्हारी जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी है। अब ये सब सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रोहित को चाटा मार देती है। वहीं रोहित बोलता है कि तुमने मुझे जितना जख्म दिया है ये चाटा उसके आगे कुछ भी नहीं है। वहीं जब रोहित अभीरा और अरमान को खुश देखता है तो बोलता है कि अरमान भाई ने तो मेरा प्यार ले लिया पर अब अपने प्यार के साथ खुश है। वहीं अब सीरियल में एक और इंटरेस्टिंग ट्रैक आएगा जहां आर्यन को कुछ लोगों ने बहुत मारा है और आर्यन रोहित को बोलता हुआ नजर आएगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया था और उन लोगों ने मुझे मारा। वहीं ये बात वो अरमान को भी बोलता है। अब अरमान और रोहित उन लड़कों के पास जाते हैं और वो लड़के उनको ही चिल्लाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम पोदार हाउस को सिर्फ केस लड़ने के बजाय आता क्या है। वहीं अभीरा के दिमाग में एक प्लान आता है, वो बोलती है कि हमें सिर्फ केस लड़ना नहीं आता है। वहीं वो लड़के चैलेंज देते हैं कि अगर तुम्हें सिर्फ केस लड़ने नहीं आता है तो तुम हॉकी खेलो और तुम्हें ये हॉकी का मैच जीत के बताना होगा। वहीं अभीरा बोलती है कि डन, हम ये हॉकी का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। अब ये सुनकर रोहित और अरमान अभीरा को देखने लगते हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अभीरा का प्लान सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं, तो रोहित और अरमान को वापस मिला पाएगी या फिर नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही सीरियल्स के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।